बांग्लादेश की बात क्योंकि अब लगातार कर रहे हैं और बांग्लादेश में हिंसा खत्म होने का इंतजार इस वक्त सभी को है। सभी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर हिंसा जो चल रही है उसको खत्म किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, वहां पर जो पीएम है यूनुस उन्होंने शपथ ली, लेकिन अभी वो भी स्थिति को काबू करने में इस वक्त नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उस पर काबू सिर्फ शेख हसीना ही पा सकती हैं। यही नहीं, सजीव वाजिद ने यहां तक कह दिया है कि अगर आज भी बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो शेख हसीना वो वापस लौट आएंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन वहां हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पूरे देश में अराजकता का माहौल है और वहां टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। उपद्रवी वहां खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं और सत्ता में आई मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार सच्चाई से मुंह फेरे हुए है। बांग्लादेश में लगातार आ रही हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अब पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने एक बड़ा बयान दिया। सजीव वाजिद ने शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करने की ओर इशारा किया। सजीव वाजिद ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। My family, none of us had ever had sort of greed for power or politics, but we want to work for our country. We cannot sit and watch this happen to our country. सजीव वाजिद ने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात तो कह दी, मगर वो फिर वहाँ चुनाव लड़ेगी या नहीं इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ये जरूर इशारा कर दिया कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। The minorities are trying to flee the country. I am worried about them. I, from the Awami League, I want to do what I can to keep the minorities safe, to restore law and order to Bangladesh, to bring back democracy. That is our goal. Right now the situation is very bad. There is no law and order. Minorities are being attacked. आपको बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर लिया है। अंतरिम सरकार का शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे मोहम्मद यूनुस ने जहां अपने पास 27 मंत्रालय रखा है, तो वहीं बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से जुड़े दो छात्र नेता को भी सत्ता में जगह दी गई है। लेकिन अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बावजूद वहां के हालात में कोई परिवर्तन आता नहीं दिख रहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर बीएनपी और जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथियों के हमले के बाद वहां के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में पैदा हुए इस हालात को लेकर भी पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्हें लिखा, प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के घर को जलाने की धमकी दी। उन्होंने अदालत से इस्तीफे की मांग की और उन्होंने नियुक्त किए जाने वाले लोगों के नामों की लिस्ट दी, जिसे अंतरिम सरकार ने मान लिया और प्रदर्शनकारियों के नामित न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया। किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय को बिना किसी उचित प्रक्रिया के, बिना निर्वाचित संसद के कैसे बदला जा सकता है? ये सुधार नहीं, ये भीड़ तंत्र है। बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं है। इस पोस्ट में सजीव वाजिद ने वहां स्वतंत्र तौर पर काम कर रहे 41 पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी आगाह किया। सजीव वाजिद ने कहा कि ये सब वहां एक साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरी साजिश है। Where did these weapons come into Bangladesh from? How did the students get weapons? So these weren't students. This was a mob, this was a militancy that was instigated to try to overthrow a democratically elected government. Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left. जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, मौजूदा स्थिति में इस बात के स्पष्ट संकेत है कि वहां अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है, जिसका असर सबसे ज्यादा वहां के अल्पसंख्यक आबादी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सजीव वाजिद का ये दावा भी सही लगता है जो उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर किया है। History of Bangladesh, there has been one government and one government only that has proven itself to keep the minorities of Bangladesh safe and keep Bangladesh safe from all militancy and violence. That was Sheikh Hasina, that was the Awami League. This is proven record in history. No one can argue that. बहरहाल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव का ऐलान कब करेगी, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि मौजूदा हालात पर सजीव वाजिद दावे कुछ भी करें, लेकिन इस वक्त वहां की पपेट सरकार जिस तरह से आंदोलनकारी छात्रों के साथ मिलकर सत्ता का बंटवारा कर रही है, उसे देखते हुए वहां के लोकतंत्र के लिए आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, सजीव वाजिद जो बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आखिर बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी हुई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए पिक्स के जरिए बताते हैं, देखिए बांग्लादेश में हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नई सरकार की सत्ता संभालने के बाद भी हिंसा लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। ढाका की सड़कों पर अब भी हालात जो है सामान्य नहीं बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, वहां पर भी स्थिति लगातार ऐसी बिगड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अल्टीमेटम तक दे दिया गया। एक घंटे में चीफ जस्टिस पद से इस्तीफा देने को कहा गया, यह अल्टीमेटम दिया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। प्रदर्शनकारियों ने चीफ जस्टिस के घर पर हमला किया और इसके बाद उबैदुल हसन के घर में ताबड़तोड़ जो है तोड़फोड़ भी वहां पर की गई। उबैदुल हसन बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। धमकी के बाद चीफ जस्टिस ने पद से इस्तीफा दे दिया और आपको बता दें कि पिछले साल हसन को चीफ जस्टिस बनाया गया था, लेकिन जो स्थिति बनी बांग्लादेश में इसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा जो है वो देना पड़ा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की स्थिति अभी भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट पर। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध और स्वीडन की संसद के बाहर हिंदुओं ने जताया विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हमले का मुद्दा ब्रिटिश संसद में गूंजा। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और उन पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसका विरोध जताया। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले का विरोध किया जा रहा। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जहां एक तरफ देखिए बांग्लादेश की स्थिति हमने आपको बताई, इसी बीच यूक्रेनी नौसेना काला सागर एक रूसी प्लेटफॉर्म पर हमला किया गया, गैस प्लेटफॉर्म पर कई हथियार भी नष्ट किए गए। रूस के कुसर्क में इजरायली सेना का हमला, एक आवासीय इमारत पर यूक्रेनी सशस्त्र बल की मिसाइल के गिरने की तस्वीरें भी वहां से सामने आई है। मतलब ब्राजील के साओ पोलो में हुए विमान हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की जांच की गई, विमान हादसे में 61 लोगों की मौत हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे। लेफ्टिनेंट लेब्लॉन पर इसराइल का मिसाइल अटैक और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। हौला और कला दाबा इलाके पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, इस बुल्ला का एक आतंकी भी मारा गया। इधर बेलारूस ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया है, यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस पर लगातार हमला हो रहा था। इसके अलावा लगातार देख रहे हैं हम कि यमन की राजधानी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, यमन के दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन किया जा रहा। आगे बढ़ेंगे और इधर देखिए नॉर्थ आयरलैंड की लंदन में डेरी में उपद्रवियों ने हमला किया, उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया और इसके बाद जो है लोगों में वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और कई लोग वहां से छोड़कर निकल पड़े। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिला, बारिश के बाद पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा, कई नदियां भी उफान पर। कनाडा में तूफान डेबी और भारी बारिश ने तबाही मचाई है, सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां।